नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रशांत शर्मा नवभारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 9 का जो हमारा छठा जो पाठ है, जिसका नाम भ्रांतोह बालः, इनकी भ्रमित हुआ बालक जो है उसके बारे में हम आज जानकारी करेंगे कि वो बालक जो है किस प्रकार से अपने कार्य से भ्रमित हो जाता है और वो कहां पर चला जाता है ना, और फिर उसको किस प्रकार की उसे शिक्षा मिलती है, वो हम इस पाठ में पूरा अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। भ्रांतो बालः, भ्रांतो बालः का मतलब होता है भ्रमित हुआ बालक। ठीक है बच्चों, भ्रमित हुआ बालक। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। किससे? संस्कृत प्रौढ़ पाठावली से। ठीक है, इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है। यहाँ तक के वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का क्या करता है, आवाहन करता है, उनको बुलाता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता है। इससे वो बहुत ही क्या हो जाता है, निराश हो जाता है। अंत में उसे बोध होता है कि सभी अपने अपने कर्म कार्यों में व्यस्त हैं, केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है। वह निश्चय करता है कि अब व्यर्थ में समय गमाना छोड़कर अपना कार्य करेगा। ठीक है बच्चों, भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला या गमने वेलायां क्रीडितुं निर्गामः, है ना। यानी कि इसमें इस बालक के बारे में कहा गया है कि बालक भ्रमित हो जाता है और भ्रमित होकर के और अध्ययन की अपेक्षा वो खेल कूद में लग जाता है, तथा वो सभी पशु पक्षियों को आह्वान करता है, किंतु अपने कार्य को छोड़ करके कोई उसके पास नहीं आता है। अतः सभी अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं और किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है, और वह मतलब निश्चय करता है कि मुझे भी इन सभी की तरह कार्य करना चाहिए, मुझे भी व्यर्थ में ही समय नहीं गंवाना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुं निर्गामः। तो जो भ्रमित हुआ जो बालक है, वो मतलब पाठशाला के जो टाइम है उस पर पाठशाला के न जा करके और वो कहाँ चला जाता है, खेलने के लिए चला जाता है। किंतु तेन सह केलभि कालं क्षिप्तिं तदा कोऽपि न वयेषु उपलभ्यमानः आसीत्। किंतु केलभि, उसके साथ खेलने के लिए उस समय काल में कोई भी मित्र जो है, वयेषु मतलब मित्र, कोई भी मित्र जो है वो वहां पर उपलब्ध नहीं है। ठीक है बच्चों, यानी कि जो भ्रमित हुआ जो बालक है वो पाठशाला जाने के समय पर पाठशाला नहीं जाता है और खेलने के लिए निकल जाता है। किंतु तेन सह केलभि कालं क्षिप्तुं तदा कोऽपि, और उस काल में सभी जो उसके मित्रगण है वो वहां पर कोई भी उपलब्ध नहीं रहता है। यतस्ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान इस्मत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा विभुः। यानी कि वो जो है, यतस्ते सभी जो है वो पहले दिन का जो पाठन था, जो पढ़ा हुआ था उसका, उसको स्मृति याद करके और विद्यालय के लिए गमन करते हैं। शीघ्र त्वरणानम विभु, शीघ्र ही वो क्या करते हैं, विद्यालय के लिए जाते हैं। तद्रालु
तद्रालुर्बालो लज्जाया तेन दृष्टि पंथ मही परि हर अन्य कापि किम त्युधानम प्रवेशः। और तत्रालु जो आलसी जो बालक है वो लज्जा से शर्म से मतलब अपनी गुरु की दृष्टि पंथा पर अपने गुरु की जो पूरी दृष्टि है उससे बच करके और किसी एक उद्यान में प्रवेश कर जाता है। यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो और जो उसके मित्रगण हैं और जो बालक हैं वो अपना पहले दिन का जो पाठ पढ़ाया था जो अध्ययन किया था उसको याद करके विद्यालय की ओर जल्दी से शीघ्र ही चले जाते हैं। लेकिन जो आलसी जो बालक है वो लज्जा से और अपनी गुरु की दृष्टि से पूर्व दृष्टि से बचता हुआ और वो कहां पर चला जाता है, वो उद्यान में प्रवेश कर जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। देखो स सचिंतया मासः विरम न त्यवेतेः वारकः पुस्तकदासः। और वो सभी वो चिंतन कर रहे हैं और वो कह रहा है कि तुम सभी जो हो वो पुस्तक के दास बने रहो। अहम् पुनरात्मानम् विनोदयिष्यामि। और वो खुद जो है वो इस प्रकार का विचार कर रहा है, ननु भूयो दृश्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यास्य मुखम। और वो जो है वहां पर जाकर के और अपने जो उपाध्याय हैं वो अपने जो गुरु हैं उनका क्रोधित हुआ मुख नहीं देखना चाहता है। ठीक है बच्चों, सत्वेते कुश कुटवासिनः एव प्राणिनः मम वयस्यः इति। और वो जो है वो बहुत ही मन विचार करके और सभी प्राणियों की सभी मित्रों के प्रति वो क्या कहता है वहां पर चढ़ पेड़ों की जड़ में जाकर के बैठ जाता है। ठीक है, अतः स पुष्पोद्धानम वर्जन्तम् मधुकरम दृष्ट्वा ताम कीड़ा हितो रावह रावयत स दि स्त्री श्या वा वानमेवह न मान या मासह। और वो जो वो बालक जो है वो एक पुष्पों के उद्यान में चला जाता है, वहां देखता है के मधुकर रंजकः मधुकरः दृष्ट्वा। और जो भौरे जो है वो जो है वो वहां पर पुष्पों का मधु पी रहे हैं और वहां पर कीड़ा कर रहे हैं, स ऐसा वो ऐसा दृश्य देखता है। ततो भूयो भय हट मारचि बाले सोगात वयम ही मधु संग्रह। और वो उनको जो मतलब जो भोरे जो थे उनको कीड़ा हितो रावत देख करके उनको कीड़ा के खेलने के लिए बुलाता है, सदूत्रिश्चा और दो तीन बार उनका खेलने के लिए क्या करता है आवाहन करता है। तब तो माने मासा ऐसा जो है वो नहीं आते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। तब तो भूल वह हट और वो हट से बालक जो है वो हट हो जाता है। तब तो भौरे जो है वयम ही मधु संग्राह्यति। और भौरे जो है वो कहते हैं कि हमारा जो कार्य है वो मधु संग्रह करने का है, हम इसी अपने कार्य को करेंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि एक पुष्पों के उद्यान में जब बालक पहुंचता है तो वहां ब्रंजता मधु और वहां पर भौरों को देखता है तो उनको अपने साथ खेलने के लिए वो बालक जो है वो बुलाता है सदु। और उस उनको बालक जो है वो उनको दो से तीन बार भौरों को खेलने के लिए बुलाता है तो वो नहीं आते हैं तो वो बहुत ही दुखद होता है और वो हट करके बोलता है, वो हट कर जाते हैं और वो भौरे कहते हैं कि वयम मधु हम अपने जो कार्य है मधु संग्रह का जो कार्य है उसको ही हम करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए
तदा सवाल कृत मनेन मिथ्या गवर्तित कीटेन इत्योत दंत दृष्टिश्च मेकेन चुंचवाह तृण सला तादि काम ददान ददान म पश्यतः। यानी कि थोड़ा सा वो क्या मन में बहुत ही मतलब दुखी होता है और कीड़ों से जो है वो मतलब ध्यान कर लेता है। दत्त दृष्टि में और थोड़ी ही घूम करके थोड़ा घूमता है तो उसके जो है वो एक उसकी दृष्टि एक चिड़े पर यानी कि चिड़िया पक्षी जो है उस पर पड़ती है। उसकी चोंच में चुंचवा तृण सलाक सलाकाधिक माद और उसकी चोंच में जो है वो एक बांस की जो है वो लकड़ी वहां पर उसकी चोंच में वो देपश्यता देखता है। च वो वाच च तो वो बोलता है एक चटके बालक बोलता है एक चटके पोत यानी कि एक चिड़ी मतलब चिड़ा के लिए यहाँ पर दिया गया है। मनुष्यस्य मम मित्रम भविष्यति मनुष्यस्य मम मित्रम भविष्यति तुम क्या मेरे मैं मनुष्य के तुम मित्र बनोगे। यही कीड़ा वह और क्या खेलोगे। तेज शुष्क मेतम तृणम स्वादु स्वादुनी भक्ष कवलानी ते दयादाश्यामी और वो यूं कह रहे हैं कि ये जो आपकी जो लकड़ी का जो वो तृण है इसको ऐसी गर्मी में छोड़िए। स्वादुनी भक्ष कवलानी और स्वादी मैं जो है वो तुम्हें स्वाद से स्वादिष्ट जो टुकड़ा है स्वादिष्ट जो भोजन है वो तुम्हें क्या करूंगा दूंगा दास्यामि इति दूंगा। तू स तू नीरह कार्यो बट दुर्शाकाया तद तद भांति कारेण इत्युत्वः स्वत कर्मे व्यग्रो बभूतः बभूवः। यानी कि वह क्या कर रहा है कि जो घोंसला बनाने का जो कार्य है वो बट ध्रुव शाखा बट वृक्ष की जो शाखा पे वो घोंसला बनाने का जो अपना कार्य है उसको कर रहा है। उस बालक के बुलाने पर वो उस बालक के पास जो चिड़ा है वो नहीं जा रहा है वो लकड़ियों से घास के तिनके से जो है वो बट के वृक्ष की जो शाखा है उस पर अपना घोंसला बना रहा है। ठीक है बच्चों इसके बाद देखिए तदा खिन्नो बालक इति पक्षेषु मानिषेषु नोपगच्छति और वो बालक जो है वो बहुत ही मतलब खिन्न हो जाता है बहुत ही मतलब घृणा करने लग जाता है पक्षियों से और मनुष्यों से। तदन वेश याम परम मानुषोचितम् विनोद यतारश्मिषी परिक्रम पालमानम किमपि श्वान श्वान अवलोक्यतः। यानी कि वो कहते रहे कि उनसे खिन्न बालक जो है वो मनुष्यों से और पक्षियों से खिन्न होकर के और वो थोड़ा सा वहां घूमता है और उसके बाद में देखता है परिक्रमा पर और उसके बाद देखता है कि वहां से एक जो है वो स्वायमान सो एक कुत्ता जो है वो निकलता हुआ जा रहा है। प्रीतु बाल स्थित मिथ्यम प्रीतो बाल स्थित मिथ्यम तो वो उस बाल जो है वो बालक जो है वो कुत्ते को संबोधन करता है। रे मनुषाणाम मित्रम क्या तुम मेरे मित्र बनोगे किम प्रति अस्मि निदार घट दिवसे और इस जो है इस गर्मी के जो दिन में तुम इस प्रकार क्यों घूम रहे हो मेरे साथ आइए और इन जो पेड़ों की जो जड़ है पेड़ों की जो ठंडी छाया है उसमें बैठ करके अपन क्या करते हैं खेलते हैं। ठीक है आश्वे श्वेत प्रति छाया तरु मूलम और पेड़ों की जो छाया है पेड़ों की जो जड़ है उसमें जा करके हम बैठते हैं। अहम अपि कीड़ा सहायम तत्वामेवानुरूपं पश्यामिति और
मेरे साथ आकर के तुम कीड़ा करो और जो है यहाँ पर आके बैठो। कुकुर प्रत्याह, और कुकुर जो है वो उससे क्या करता है, मना कर देता है। यो माँ पुत्र प्रीत्वा पोषयति स्वामिनो ग्रहे तस्यः, वो क्या कह रहे हैं कि मैं मेरे को जो पुत्र के समान प्रेम करता है, पालन पोषण करता है, वो स्वामी के ग्रह में रक्षा निरोध करना न मया भ्रष्टमि, और उन स्वामी के घर में मैं जाकर के क्या करूंगा, रक्षा करूंगा, उनके यहाँ पर जाकर के मैं बैठूंगा। यानी कि जो स्वामी मेरा पालन पोषण करता है, मेरे को पुत्र के समान समझता है, उस स्वामी के घर में जाकर के रक्षा करूंगा, यहाँ पर मैं नहीं खेलूंगा। ठीक है मित्रों, आगे देखिए। सर्वरेवं निषेध्यः सबालो विघ्नता विघ्नत मनोरथः सन कथम कथमस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वकृत्यैः निगमनो भवति। तो वो बालक जो है वो बहुत ही अपने मन में दुखी हो जाता है और बहुत ही मतलब विघ्न मनोरथ, और उसके मनोरथ जो है वो क्या होते हैं, वो नहीं हो पाते हैं। कथमस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकृति निगमनो भवति, और वो अपने मन में विचार कर रहा है, वो कह रहा है कि इस संसार में प्रत्येक जो है वो प्रत्येक मनुष्य है, प्रत्येक पशु पक्षी जो है वो अपने अपने कार्यों में क्या है, अपने अपने कार्यों में व्यस्त है। न को अप्यमेवं व्रथा कालक्षेपं सहते, और न ही कोई भी जो है वो व्यथा, यानी कि जो कोई भी अपने समय को व्यर्थ में नहीं जाने दे रहा है। नमः एतेभ्यं अमृत तद्रालुप्त्यायं तुष्या संवादितो, और उन सभी को नमस्कार करता है, और तंद्रा लुप्तायाम कुशा, और मेरी जो आलस्य था उसको जो उन्होंने क्या किया है, लुप्ता यानी कि समाप्त कर दिया है, और मेरे को मतलब और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने मेरे को आगे बढ़ने के लिए उन्होंने मेरे को प्रेरित किया है, इसलिए उनको क्या कर रहा है, वो नमस्कार कर रहा है। अतः स्वचित महत्म अपी करोम इति विचार्य त्वरितम पाठशाला नु मपजा गामः, और ऐसा मन में विचार करके वो विचार कर रहा है कि अब मैं जो मेरा कार्य जो है वो मैं करूंगा, और ऐसा विचार करके वो पाठशाला की ओर चला जाता है। ततः प्रवर्ति स विद्या वैशनी भूत्वा महती विदुषी प्रथाम संपदम चलेवे, और वो जो है वो उसमें जाकर के अपना जो कार्य है, अपनी जो विद्या है उसका अध्ययन करता है, और भूत्वा महती और उसमें विद्वान हो जाता है, और प्रथाम संपत चलेवे, और आगे जो है वो सभी मतलब आगे की जो प्रथा है उसमें सभी संपत्ति से विद्वता से विद्या से वो क्या हो जाता है, वो विद्वान हो जाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि हमने जो ये पाठ का अध्ययन किया है, इसमें एक बालक जो है वो मतलब अपने कार्य से भ्रमित हो जाता है, और भ्रमित होकर के वो अपने अध्ययन की ओर से मन को हटा करके और खेल कूद में मन लगाने लगता है, लेकिन जब उसको पता लगता है कि इस संसार में सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, अतः मुझे भी अपना कार्य करना चाहिए, तो बालक जो है वो सभी कार्यों को छोड़ करके अपने आलस्य को त्याग करके और मतलब अपने
अपने विद्यालय की ओर चला जाता है और वहां विद्यालय जाकर के अपने विषय का अध्ययन करके और विद्वान होकर के और सभी संपत्तियों से युक्त होकर के और अपने इस विषय में समृद्ध होकर के और प्रसिद्ध अपनी जो है वो महान विद्वान हो जाता है और यहाँ पर वो अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। ठीक है बच्चों, आगे हम इसके जो शब्दार्थ हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। देखिए, भ्रांत का मतलब भ्रमित, ठीक है ना बच्चों, भ्रांत का मतलब क्या होता है? भ्रमित। क्रीड़ा तुम का मतलब होता है खेलने के लिए, ठीक है। निर्जगाम का मतलब होता है निकाला गया या निष्क्रांत, निष्क्रांत या निर्गाम का मतलब क्या होता है? निकाला हुआ। खेल भी या कीड़ा भी का मतलब होता है खेल द्वारा। काल क्षुप्तम तो समय बिताने के लिए, काल यानी समय, क्षुप्त में बिताने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में त्वरमाण त्वरा कुर्वन्त त्वरन्त शीघ्रता करने के करते हुए। तद्रालु तद्रालु आलसः अलिय यानी कि आलसी, ठीक है। दृष्टिपंथम दृष्टिपंथम तो दृष्टि या निगाह, ठीक है ना, यानी कि वो कैसी निगाह से देखेंगे, वो पूर्ण निगाह से मुझे देखेंगे, ठीक है। चिंतयामासः चिंतयत या सोचा, ठीक है ना, सोचा। इसके बाद में देखिए पुस्तक दासा यानी कि पुस्तकों के गुलाम, ठीक है ना। पुस्तक दासा पुस्तकानां दासा या पुस्तक दासा का मतलब क्या होता है? पुस्तकों के गुलाम, ठीक है बच्चों। इसके बाद में उपाध्यायश यानी आचार्य या गुरु भी उनको कह देंगे, ठीक है। निष्कुट वासिनः यानी कि वृक्ष जो है उसकी जो कोटर जो है, कोटर में रहने वाला क्या कहेंगे? निष्कुट वासिनः, ठीक है। उसके बाद में कीड़ा हेतु, कीड़ा हेतु को क्या कहेंगे? खेल निषितम यानी खेलने के निमित्त, ठीक है। इसके बाद आहारम आमंत्रण, आमंत्रणम यानी कि बुलावा, आह्वान यानी गुरु बार बार उनको बुला रहा था, ठीक है। हटमा चरंती, हटमा चरंती यानी कि कुर्वंती संति यानी कि हट करने पर, वो वहां पर क्या कर रहा था? बालक जो है वो हट वहां पर कर रहा था, ठीक है बच्चों। आगे देखिए मधु संग्रह, पुष्पों से जो रस संकलप पुष्पों से जो रस को जो संग्रह में लगे हुए थे वो बार बार उनको क्या कह रहा था? तुम मेरे साथ खेलने के लिए आ जाओ। भूयो भूयो भय पुनः पुनः, भूयो भय बार बार, ठीक है ना, क्या है? बार बार। इसके बाद में मिथ्या गर्भित ना तो व्यर्थ व्यर्थ झूठे गर्भ से गर्भ वाले, ठीक है। चटकम यानी पक्षी या चिड़िया, ठीक है बच्चों। चंचवा या चोंट पुटेन तो उसका हो गया चोंच से, ठीक है। आददानम ग्रहणतम तो ग्रहण करते हुए, ठीक है ना। उसके बाद में स्वादुनी तो स्वादुनी स्वादिष्टानी या स्वादिष्ट युक्त या स्वादिष्ट कोई भोजन, ठीक है। इसके बाद में भक्ष्य कबलानी तो भक्षिणी ये ग्रासा या खाने के लिए उपयुक्त जो कौर जो है वो उनको क्या करता है? वो कुत्ते को या पक्षियों को देने के लिए कहता है, ठीक है। स्व कर्म विग्रह तो स्वकीय कार्येषु तत्परः यानी कि वो क्या है? अपने कार्यों में है संकलम संलग्न है, ठीक है। उसके बाद देखिए अनवेश यामी तो
अन्वेषणम करोमि, अन्वेषणम का मतलब होता है खोजता हूं। ठीक है, विनोद विनोद या तारम मनोरंज कार्यक्रम या मनोरंजन करने वाले को कहते हैं। ठीक है ना, विनोद या तारम क्या किसे कहते हैं, मनोरंजन करने वाले को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए पलायमानम, पलायमानम का मतलब धावतम तो भागते हुए। ठीक है ना, भागते हुए। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पर जो हमारे जो कठिन शब्द थे वो हमने यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए देखिए अवलोकयत या अपश्यत या इसका मतलब होता है देखना या देखा। ठीक है ना बच्चों, देखा। बट ध्रुव शाखाया तो बट वृक्ष से बरगद के पेड़ की जो क्या थी शाखा पर। ठीक है ना, संबोधय मासह संबोधितवान या संबोधित किया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए निदाघ घट दिवसे, निदाघ दिवसे तो ग्रीष्म दिन यानी कि गर्मी का जो दिन होता है उसको हम क्या कह देंगे, निदाघ निदाघ दिवसे। ठीक है, केली सहायम तो कीड़ा सहायकम या खेल में सहयोगी जो होता है उसे क्या कहेंगे, कीड़ा सहायकम या केली सहायकम। अनुरूपम, अनुरूपम का मतलब होता है युग्म या उपयुक्त, तो उसके उपयुक्त जो कोई चीज होती है या उसके युग्म जो चीज होती है उसको हम क्या कह देते हैं, अनुरूपम। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए कुक्कुरहा, कुक्कुरहा स्वाहा तो कुक्कुरहा या स्वाहा को क्या बोलेंगे हम, कुत्ता बोल देते हैं। ठीक है ना, रक्षा नियोग करना तो रक्षा कार्य के रक्षा कार्य वशाने रक्षा के कार्य में लगे होने से। ठीक है ना, वो स्वान जो जो कुत्ता जो था वहां पर क्या कर रहा था, अपने जो उसका जो मालिक था उसकी घर की रक्षा कार्य में लगा हुआ था। भ्रष्टव्यम तो पतितव्यम, पतितव्यम का मतलब होता है हटना चाहिए। ठीक है, ईशदपि तो अल्पमात्रम अपि यानी कि थोड़ा थोड़ा सा भी, ईशत अपि का मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा क्या, निषेध, निषेध को कहते हैं अस्वीकृत, जिसको स्वीकार नहीं किया गया हो यानी कि मना किया गया। ठीक है, विघटित मनोरथ तो खंडित काम, तो जो मतलब जो टूटी विघटित मनोरथ मतलब होता है जो काम जो खंडित हो जाता है, जो उसकी इच्छा जो मन की इच्छा जो होती है वो उसकी टूट जाती है उसको हम क्या कह देंगे, विघटित मनोरथ। ठीक है, उसके बाद में कालक्षेपम तो समय श्लापनम तो समय, कालक्षेप मतलब होता है समय बिताना। ठीक है बच्चों, तंद्रा लुप्तायाम तो तंद्रा लुज्जनस्य भावे तो इसका मतलब हो रहा है तंद्रा लुप्तायाम को तो आलस्य है, आलस्य में वो क्या कर रहा था, विद्यालय नहीं जा रहा था, जो उसका कार्य था वो उसको नहीं कर रहा था। ठीक है, इसके बाद में कुस्सा, कुस्सा यानी घृणा, घृणा या वर्षणा तो गुस्सा का मतलब होता है किसी को घृणा भाव से देखना या किसी के प्रति क्या हो जाना, घृणा हो जाना, गुस्सा कहलाता है। ठीक है, उसके प्रति विद्यावेशनी, विद्यावेशनी, विद्यावेशनी मतलब अध्ययन रता यानी कि विद्या में रत रहने वाला या विद्या अध्ययन करने वाला या विद्या में हमेशा शीघ्रता से विद्या को अध्ययनरत होने वाला। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रथाम, प्रथाम मतलब प्रसिद्धम, प्रसिद्ध मतलब ख्याति प्राप्त करना
या प्रसिद्धि प्राप्त करना, क्योंकि वहां पर उसने जाकर के अपनी विद्या को अपने विद्यालय में जाकर के पढ़ा और उसने जो अपना जो पठन का जो कार्य था उसको किया और उसमें उसने क्या किया, विद्वता को प्राप्त किया और फिर विद्वता प्राप्त करके उसने क्या किया, ख्याति को प्राप्त कर ली थी। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो पाठ जो छठा था, जो भ्रांतो बाल यानी कि भ्रमित हुआ जो बालक का हमारा जो पाठ था उसका आज हमने अध्ययन कर लिया है। ठीक है बच्चों, और अगली कक्षा में हम अन्य पाठों का अन्य अध्यायों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।